और अब खबर नेपाल से। नेपाल में कल भारत का 70वां संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है हमारे संवाददाता राजकुमार की ये खास रिपोर्ट। मंगलवार को काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में 70वां संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नेपाल में भारत के राजदूत मनजीव सिंह पुरी ने केंद्रीय विद्यालय के छात्रों, भारतीय नागरिकों और दूतावास के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उनके परिजनों के साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। अपने संबोधन में राजदूत पुरी ने कहा कि संविधान लागू होने के बाद भारत ने दुनिया में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है और सभी भारतवासियों के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है। Establish ourselves as one of the great countries and a great country, the rule of law led by our constitution in the entire community of nations. It makes me particularly very proud, and I hope every one of you share this particular sentiment. It's an extremely proud day for us. It's a very great proud achievement of India and Indians. नेपाल में रहने वाले भारतीय नागरिकों ने संविधान दिवस समारोह में शामिल होने पर प्रसन्नता जताई। बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे पता चला आज मुझे कि हमारा 26 जनवरी 1949 को संविधान बना था, तो आज उपाकर हमको बहुत खुशी और जो ओथ दिलाई अम्बेडकर साहब ने और भारत सरकार की तरफ से, तो हमको बहुत खुशी है और हम उसका पालन करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन थे और हमारे संविधान ने जो भारत के नागरिकों को जो बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उसकी वजह से हमारे देश के नागरिकों को बहुत आज़ादी मिली हुई है और हमारा देश आज बहुत तरक्की कर रहा है अपने हमारे संविधान की वजह से। बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और वी आर लकी कि हमें भी मौका मिला इस चीज़ में आने का, और भारत ने 70 सालों में काफ़ी तरक्की की है। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र काठमांडू के कलाकारों द्वारा पेश किए गए देशभक्ति गीतों ने उपस्थित लोगों को राष्ट्रप्रेम की भावना में सराबोर कर दिया। प्रसार भारती के लिए काठमांडू से राजकुमार।